साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल इजी स्टडी फार्मेसी में। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे आस्था खाइन डीएक्स। साथियों होता क्या है कि टीबी के पेशेंट होते हैं, अचानक उनको खांसी आने लगती है, खांसते खांसते गाल लाल हो जाते हैं, आंखों में पानी आ जाता है, खांसी नहीं ठीक होती है। बहुत तरह के कफ सीरप होते हैं, लेकिन लोगों को क्या होता है कि आइडिया नहीं होता कि कौन सा किस खांसी में देना चाहिए। तो ओल्ड एज जेरियाटिक हैं, ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट हैं, सीओपीडी का केस है, या फिर सर्दी गर्मी से खांसी आने लगती है, बलगम नहीं आता है, तो ऐसे केस में आस्थाकाइन डीएक्स सीरप का इस्तेमाल करें। साथियों आस्थाकाइन डीएक्स है क्या, डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, साथ ही साथ बेस्ट कंपोजिशन की बात करेंगे, यूजेस बेनिफिट की बात करेंगे, साइड इफेक्ट, डोजेस, सेफ्टी इंफॉर्मेशन, एमआरपी की बात करेंगे। साथियों आस्थाकाइन डीएक्स सीरप सुगर फ्री सीरप है और ये क्या करता है, यूज टू ट्रीट कॉमन कोल्ड एंड कफ। कहने का मतलब सूखी खांसी या सर्दी जुकाम बुखार के बाद जो है खांसी जो आ जाती है उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस करती है। ये क्या करती है, इट प्रोवाइड क्विक रिलीफ, तुरंत खांसी से जो है राहत दिलाती है। साथ ही साथ जैसे कॉमन कोल्ड है, जैसे कि रनिंग नोज है, नाक बहुत बह रही है, साथ ही साथ स्टफी नोज है, जकड़न हो गई है, छींकते छींक्स बहुत आती है, वाटरी आईज हो जाती है, एंटी एलर्जिक प्रॉब्लम, छाती में नमी बहुत भर जाती है, कंजेशन हो जाता है, स्टिफनेस हो जाता है, खांसते खांसते क्या होता है कि बलगम नहीं आता है और खांसी नहीं जा रही है, तो आस्थाकाइन डीएक्स सीरप का इस्तेमाल करें। अब साथियों कंपोजिशन की बात करें तो इसमें फिनाइल फरीन 5 mg मिला है एंड क्लोरफिनामाइन मैलिएट 2 mg मिला है एंड डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड इसके अंदर 15 mg मिला हुआ है। 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है और ये बहुत अच्छा रिस्पांस करता है, क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं टीबी अस्पताल में जो है एज ए फार्मासिस्ट काम करता हूँ, और जो टीबी के पेशेंट हैं बहुत तरह के सीरप जब हमारे यहाँ भर्ती होने आते हैं तो लेके आते हैं, पी रहे होते हैं, खांसी उससे नहीं जा रही होती, लेकिन हमारे डॉक्टर क्या करते हैं, आस्थाकाइन डीएक्स लिख देते हैं और तुरंत वो ठीक हो जाते हैं। यूजेस बेनिफिट की बात करेंगे साथियों तो ड्राई कफ, सूखी खांसी में बहुत अच्छा रिस्पांस है इसका। सूखी खांसी है क्या, इसको जो है नॉन प्रोडक्टिव भी कह सकते हैं, और ये क्या होता है कि जहाँ पे बलगम नहीं निकलता है, म्यूकस नहीं निकलता है, और साथ ही साथ कॉमन कोल्ड जैसे कि रनिंग नोज है, वाटरी आइज है, स्नीजिंग छींकते बहुत हैं, छाती में नमी है, कंजेशन है, तो दोनों में बहुत अच्छा रिस्पांस है, एक तो ड्राई कफ में और एक कॉमन कोल्ड। साथियों साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो इसको पीने से कुछ हल्का सा सेडेशन टाइप का होता है, नींद बहुत आएगी, झपकी लगती है, इसीलिए गाड़ी ना चलाएं, और मुंह पे जो है क्या होता है सूखापन आ जाता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाता है, वीकनेस टाइप की फील होती है, पर ये क्षणिक साइड इफेक्ट है, कभी कभी लगेगा चक्कर आ रहा है पर आता नहीं है, डिजीनेस टाइप का, तो ये साइड इफेक्ट है। सेफ्टी इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो जब भी परचेज करें एक्सपायरी जरूर चेक करें, रीड द लेबल केयरफुली बिफोर यूज एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। साथियों मैनकाइंड का प्रोडक्ट है आस्थाकाइन डीएक्स सीरप, 60 ml का सीरप है, ₹77.44 का 77.44 इसकी एमआरपी है, और सभी केमिस्ट की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। तो साथियों वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।